हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये नीचे वाला डॉग है जिसको इंजरी हुई थी और इसकी हालत आज ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 दिन से ये खाना नहीं खा रहा है। इसके लिए मैंने बहुत जगह बात करी है लेकिन कोई डॉक्टर आ नहीं रहा है। अभी पेटा में भी बात करी है और एक जगह और बात करी है। देखो वैन आने वाली है, शायद आ जाएगी तो अच्छी बात है। उसने बोला कि आप वैन के अंदर इसको रख सकते हैं क्या उठा के, तो मैंने कहा ओके मैं रख लूँगी, आप इसका ट्रीटमेंट करके दे दो खाली। तो उनके इसके वीडियो मैंने भेज दिए बना के। ये आज ब्रीदिंग अच्छी नहीं ले रहा है और हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है इसका क्या होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देखो इंशाल्लाह वैन आए और इसका इलाज हो जाए। ये सांस अच्छी नहीं ले रहा है और एकदम आंखें इसकी खुल नहीं रही है बराबर से, सांस बहुत बड़ी बड़ी ले रहा है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। 2 hours later कुकू की आज दीदी नहीं है घर पे और हमारे लिए आज एक टास्क है कि कुकू को हैंड फीडिंग करानी है। छोटी घर पे नहीं है, खाना देख के उसको उल्टी आ रही है। पर मेरे लिए तो टास्क है, मैंने दवाई भी पिलाई और अभी उसको बस खाने में भी एक दवाई होती है रीनल, वो मैंने मिक्स कर ली है। बस अभी खिला दो। खिलाऊँ? थोड़ा थोड़ा खिलाऊँगी। फेंक दी। कुकू ऐसे नहीं करो बेटा, भूखी रहोगी क्या? दीदी नहीं आएगी तो रोजा रख लो। हाँ तू रोजा रखोगी क्या? अरे बाप रे, दिख भी नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है? ओहो, अरे अरे रुको, आलिए इसको इस तरफ लेते हैं। सुनो तुम इधर ही बैठो, ऐसे खिलाएंगे तुमको। मम्मी की जान मुंह खोलेगी और खाना खाएगी। फिर से एक बार और डाल। बहुत डिफिकल्ट काम है कुकू को खाना खिलाना, एक बहुत मुश्किल काम है। मेरे आंग पे गिरा रही है सारा, कि मैं भी तो साइड से खिला रही हूँ उसको, क्या पता इसके खाने के अंदर क्या क्या है। ये सब आंग पे गिरा। आओ आओ इधर आओ, इधर मुँह दो, तुम मेरे अंदर मत घुसो ज्यादा। में चली जाएगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं बंद करती हूँ। ओ मम्मी का कोको, देखो कोको के नखरे चेक करो, छोटी आ गई है घर पे। तो कोको अभी उठ के आई है छोटी के पास, पर अभी शायद उसको सुसु भी आई है तो इसलिए घूम रही है। पर आलिया कार चला रही है, वो तो कुकू देख रही है कार। कुकी को खोल दिया है बाहर, चुनो आके खाना खा रही है और कुकू आके यहाँ छत पे सो गई है। बोलती मुझे प्यार करो, सहलाओ जरा। हाँ कुकू, क्या करे कुकू को?
कुकू को क्या कर लेंगे हम? कुकू को लाली कर लेंगे, लाली लाली। कल दोनों की मारा मारी हो गई और कुकू को यहाँ पर चोट लगी थी, तो मैंने जख्म रुज लगाया था उसको, तो आज तो ठीक है, अभी आँख में से पानी भी नहीं आ रहा है। कल दोनों लड़ लिए सुबह में, कुकू नहीं लड़ी, चुन्ना ने उसके ऊपर पीछे से अटैक करी, ऊपर से कुकू के फेस के ऊपर डायरेक्ट। फिर कुकू को भी पप्पा ने मारा और चुन्नू को भी मारा। जी जी को कुकू की गलती भी नहीं थी, सब गलती चुन्ना की थी, बदतमीज की है ना कुकू, तुम कल से मार खाई मेरी बेटी। Day two. आज हो रही है डीप क्लीनिंग। अभी ये वाला रैक पूरा निकाल के बर्तन धोए, सुखाए, पोछे, फिर रखे, ये वाला भी हो गया। अभी ये रैक चल रहा है, इसको धो दिया है पूरा, और इसका ये के बर्तन है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। और इतने बर्तन तो ये जो सुबह में धोए थे वो अलग ही है, मशीन दूसरी बार लगी है, ये हो जाएगी तो फिर एक और बार मशीन लगाएंगे। और ऐसे पूरा घर आज पूरा पसारा पड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे सब साफ करना है, भी साफ करूँगी। डीप क्लीनिंग डन, सब कुछ क्लीन हो गया है, पूरा पूरा किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। खाना तो पहले ही बना लिया था, नीचे के भी शेल्फ सब साफ़ कर लिए, ये भी सब जगह साफ कर लिए, बस थोड़े से बर्तन चढ़ाने रह गई है। और मशीन अभी ये तीसरी बार चल रही है, मशीन का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा पानी गलता है मशीन का, तो एक पतीला लगा दिया, बाकी सारा सब साफ कर लिया ये। बटाटे का कांदे बटाटे का रैक भी साफ कर लिया है। पूरा दिन आज काम करते करते निकल गया और शाम के 7:30 बज रहे। और ये है अभी बेडरूम का लुक, इतनी क्लीनिंग हो गई है ये जगह की। और अभी ये जो सारे कुशन जो दिख रहे हैं ये सब के कवर धोने में गए, और अभी मैं इस पे नए कवर डालूँगी। मशीन तीसरी बार चल गई है, मशीन हो गई, मशीन के कपड़े भी सुखा दिए। और बीच में देखो कौन सो रहा है, तकियों के बीच में मैडम जाके सो रही है, क्योंकि उसकी जगह पे तकिए सब रख दिए है ना। और ये कंबल भी अभी वॉश होके निकली है, मतलब ये सूख के निकली है, कल वॉश की थी तो अभी जो कपड़े सब डाले ये तकिए कवर वगैरह धो के डाले, तो उसकी जगह पे कंबल की जगह पे डाले, और कंबल ला के यहाँ रखी। बस अभी इसको घड़ी करते, बस बेड बनाते। और आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बस यहीं पर एंड करेंगे। और कुत्ते की ये अपडेट है नीचे वाले के, उसको दवा दे दिए, और अभी 2 दिन की उसने एंटीबायोटिक दिया है डॉक्टर ने, तो उसको 2 दिन एंटीबायोटिक देंगे। और उसके बाद फिर उसके तीसरे दिन उसके बदन में बहुत कीड़े पड़ गए, ज़्यादा कीड़े हो गए, वो कुत्ते लोगों के होते हैं टिक्स, वो हो गए, तो उसकी उसने दवा दिया है। तो वो अभी नहीं पिला सकते क्योंकि उसको बहुत बुखार है, तो जब वो ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद तो इंशाल्लाह उसको वो टिक्स की एक गोली देनी है, और फिर 7 दिन बाद एक और गोली देनी है। अभी मेरे हस्बैंड उसके लिए चिकन लेकर आए थे आज दोपहर में, और उसको चिकन खिला दिए, तो उसने चिकन खाया, लेकिन दूध वगैरह वो नहीं पी रहा है बिल्कुल भी। छाछ भी मैंने पिलाने की कोशिश की पर छाछ भी नहीं पी रहा है, तो बस चिकन खा रहा है, तो चिकन दे दिया है। और अब वो शायद इंशाल्लाह वो ठीक ही हो जाएगा, खाना तो उसने पेट भर के खा लिया है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। Thanks for watching. Bye-bye. Take care.